मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, वो जो गलती ना करे कोई फरिश्ता ही होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल तो हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखा करो। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम ना समझ हैं। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। याद रखना, ये जिंदगी पेनड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप अपने मनपसंद गाने सुन सको। ये जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, इसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है कि बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए सबसे खास। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे मेरे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। ये इस दुनिया का नियम है, यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के तीन समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, गलत नजरिए और गलत नंबर के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। इस दुनिया में अगर आए हो तो काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि जिसे सुनते ही तुम्हारे सारे काम हो जाएं। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।